बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 7 के मैथ्स में आप सबको वेलकम करती हूं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होने के बाद रिव्यू एक्सरसाइज इसकी जो है वन वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम आता है ट्रू फॉल्स का, तो हमने उसको सॉल्व करना है। Read the following statement carefully and write T in front of true statement and false in front of false statement. Number first, हमारे पास है एक a collection of well-defined and distinct object is called a set. Set की definition क्या है? Collection of well-defined and distinct object. तो ये इसके सामने हम T लिख देंगे, true. ठीक है, ये true statement है. In descriptive form, member of a set are written within braces. हम जो descriptive form होती है उसको braces में लिखते हैं? No, हमारे पास जो descriptive form होती है just वो sentence होता है, उसको हम braces में नहीं लिखते। braces में हम tabular form को लिखते हैं and set builder form को लिखते हैं। That's why this statement is false. तो आपने यहाँ F लिख लेना है। Now the next one is if A intersection B is equal to empty set, then set A and set B are called overlapping set. अगर हमारे पास A intersection B खाली set आता है तो ये set A and set B are called overlapping set. Overlapping set क्या होता है कि overlapping set में, तो अब हमने क्या करना है कि जो A intersection B is equal to empty set है तो हम इसको सेट ए एंड सेट बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। वो होता है जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट लाजमी सेम हो दोनों सेट में, जबकि डिसजॉइंट में कोई भी एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होता। तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ हम एफ राइट कर लेंगे। नाउ द फोर वन इज, फोर हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी। तो हमारे पास ए माइनस बी जो होता है डिफरेंस, वो ऐसे ही एलिमेंट्स होते हैं जो कि बी में एग्जिस्ट नहीं करते, वो ए माइनस बी होता है। तो ये भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, इसके सामने आप टी लिख लेंगे। नाउ द नेक्स्ट नंबर फाइव, यू माइनस ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू। यस, हम कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं कि यू में से हम माइनस करते हैं जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। अब अगर हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो यू माइनस ए होगा। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो आप यहाँ टी लिख लेंगे। नाउ नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करने हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास जब ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालते हैं यू माइनस ए, ठीक है, हम यू माइनस ए निकालते हैं तो यू माइनस ए जब हम निकालेंगे यू माइनस ए, ठीक है, यू माइनस ए हमारे पास ये ए कॉम्प्लीमेंट निकलता है, मीन के ए यूनियन ए यूनियन ए जो है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का सेट और ए कॉम्प्लीमेंट ये मिला के ये और ये सेट, ये हमारे पास यू ही आता है, ठीक है। मीन के यू इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, ये माइनस है यहाँ आके ये प्लस हो गया है, इन दोनों का जो यूनियन होगा वो होगा यू, तो ये हमारे पास यू सेट आएगा। नाउ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वो भी यू होता है। कैसे? क्योंकि जब हम अगर यू में से हम खाली सेट को माइनस करते हैं तो हमारे पास यही होता है, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इसी तरीके से होगा कि एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि जो ए के एलिमेंट्स होंगे और ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे उनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता, तो इस वजह से ये खाली सेट होगा। और ए कॉम्प्लीमेंट होल का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा कि हम लोग जब u माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और जब उसका हम दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो हमारे पास ए सेट आएगा, तो ये हमारे पास ए सेट होगा, ठीक है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u, जो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट है वो इज इक्वल टू यू, ठीक है। वो कैसे कि यू माइनस एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट आता है, मीन कि ये यू होगा।
और ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ये एम्प्टी सेट आएगा। ए कम्प्लीमेंट होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये हमारे पास ए आएगा। नंबर फाइव, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, मीन के डिसजॉइंट सेट, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, ये खाली है, देन ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो एम्प्टी सेट, ये भी खाली होगा, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन नंबर टू भी अपने बुक पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट मैं आपको कलर द करेक्ट आंसर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए आप इन दो क्वेश्चंस की बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करके इसको अपनी बुक्स पे उतार लीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।